क्या उपेंद्र कुशवाहा सम्राट चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नाराज हो गए? क्या उन्हें अब अपना राजनीतिक भविष्य अंधेरे में दिख रहा है? हम इस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज अगर आप उपेंद्र कुशवाहा के ट्विटर को खंगालिएगा तो वहां बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर हुई, जहां सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उसको लेकर एक ट्वीट नहीं किया। लेकिन तेजस्वी यादव को बेटी हुई है, उनके घर लक्ष्मी आई है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने बकायदा तेजस्वी यादव को बधाई दे दी। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के खेमे में जाएंगे? क्या वो महागठबंधन के खेमे में चले जाएंगे? क्योंकि बता दें कि सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की कोई खास उपयोगिता नहीं रही। उपेंद्र कुशवाहा को लगातार ये लग रहा था कि वो जेडीयू से अलग हो जाएंगे। कुशवाहा समाज का सर्वमान्य नेता खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीजेपी के एक मास्टर स्ट्रोक ने उनके चाल को धराशाही कर दिया। और आज हम वहां से लगातार खबर कर रहे थे, तो वहां के जो कुशवाहा नेता हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता अब सम्राट चौधरी हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ठीक है, वो हमारे साथ आ जाएं, लेकिन सीएम का फेस तो अब सम्राट चौधरी होंगे। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और आज बाकायदा उनका स्वागत हुआ, भव्य स्वागत हुआ, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर पर उन्हें शुभकामनाएं क्यों नहीं दी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त होता ना दुश्मन। अगर उपेंद्र कुशवाहा को कोई ठीक ठाक ऑफर मिलता है, या फिर वो ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि उनको नाराजगी बीजेपी को दिखा सकें और कुछ बड़ा डील कर पाए, क्योंकि अब ये तो साफ है कि सीएम तो उन्हें नहीं बना सकती। हालांकि हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लगातार एक कोशिश हो रही थी कि वो अपने आप को कुशवाहा का सर्वमान्य नेता साबित कर लें, लेकिन बीजेपी ने उनके कद को छोटा करने की कोशिश की है और इस वजह से लगता है उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नाराज होते दिख रहे हैं। हालांकि वो सीएम का फेस होते या नहीं, उनकी महत्वाकांक्षा थी या नहीं, लेकिन इतना तो साफ है कि वो अब चाहते थे कि जो लवकुश समीकरण है उसको साथ लें, क्योंकि बिहार में अगर कोई भी नेता इस वक्त अगर प्रभावशाली है तो उसके पीछे कोई ना कोई समीकरण है। आप आरजेडी की बात कर लीजिए, एमवाई समीकरण है। इसके अलावा नीतीश कुमार 17 सालों तक सत्ता में रहे तो उनके पास लवकुश समीकरण था। चिराग पासवान जो है वो ब्राह्मण और पासवान के समीकरण पर चल रहे हैं। और बीजेपी जो है वो भी अब ओबीसी को सवर्ण प्लस जो ओबीसी में बनिया समाज है, और इसके अलावा हिंदुत्व के नाम पे तमाम जातियों को एकजुट करने का प्रयास कर रही थी। इसी वजह से जब पिछली बार सरकार बना तो दो अति पिछड़ा रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ताकि जो पिछड़ा समाज है वो उनकी खिमे में आए। लेकिन तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उस तरीके से प्रभावशाली साबित नहीं हो पाए, इसलिए आज आपने देखा होगा कि मंच पर जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुका हो वो पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ था और काफी मायूस दिख रहे थे, मायूसी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तो ये एक बड़ी खबर है। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से नाराज हो गए हैं? क्या उनको ये समझ में आ गया है कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के कद को छोटा करने की पूरी तैयारी कर ली है सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, और उपेंद्र कुशवाहा का शुभकामना सम्राट चौधरी को न देकर तेजस्वी यादव को इस बात के लिए देना कि उन्हें पुत्री हुई है, कहीं कहीं ना कहीं इसका मतलब निकलता है। और इतना तो साफ है कि उपेंद्र कुशवाहा ये जताना चाहते हैं कि बीजेपी से उनकी नाराजगी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो, और हमें अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।